हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फोटोशूट विद निकॉन Z7 मिररलेस कैमरा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कैमरा कुछ टाइम पहले ही अभी रिलीज़ हुआ है और आज मेरे पास जो है ये पहली बार हाथों में आया है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और देखता हूँ कि बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर जो है मुझे इसमें पिक्चर्स कैसी मिलती हैं। तो ये आज का वीडियो आप सभी लोग एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हम इस पर आज पिक्चर शूट करेंगे और देखेंगे कि मिररलेस जो है क्या ये आने वाला फ्यूचर है अब, और लोग जो है क्या अब जल्दी से शिफ्ट करेंगे एक ट्रेडिशनल DSLR से मिररलेस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों मैं शूट कर रहा हूं जयपुर में, और जयपुर में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर राजेश तोलानी, जिन्होंने ये जो कैमरा है बिल्कुल रिसेंटली अभी खरीदा और मुझे रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर आप एक जो है वीडियो बनाइए। सर, हम देखना चाहते हैं, हमने नया लिया कैमरा और इस पर हमें पिक्चर्स कैसी मिलती हैं। तो मैं आपको मिलाता हूं राजेश तोलानी जी से। राजेश जी, प्लीज़ आइए यहां पे। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू निकॉन Z7 मिररलेस कैमरा बॉडी। आई होप आपको इसके साथ शूट करने में मज़ा आएगा। जैसा आपने बताया, बिल्कुल नया आपने खरीदा है ये। तो मुझे आप एक तो बताइए कि ये आपको कितने में, आपको कितना कॉस्ट पड़ा आपको, और क्या क्या चीज़ें आपको मिली इसके साथ? सर, एक तो ये मुझे 268,000 का पड़ा है। 268,000 का पड़ा है। और इसके साथ मुझे एक तो 2470 का जो किट लेंस आ रहा है इसके साथ, लेंस के साथ आया वो मिला है, और दूसरा एक एफ माउंट का एडेप्टर मिला है। हाँ, ये जो एडेप्टर यहाँ लगा हुआ है। ओके, ओके। और एक 128 GB कार्ड मिला है, और XQD कार्ड जो इसमें आता है, SD कार्ड है। XQD कार्ड, SD तो इसमें है ही नहीं स्लॉट। अच्छा, ओके। और इसके साथ में बस यही है, और तो बैटरी वगैरह है। बैटरी वो तो खैर साथ में आती है पूरी। ओके, बस। तो आपने अभी तक इस पे कुछ शूट किया या अभी बिल्कुल आप सीधा लेके आ रहे हैं? अभी मेरा फर्स्ट कैमरा है। ओके। मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैंने सबसे पहले आपको अप्रोच किया ताकि आप इसके अच्छे रिव्यूज दे सके पब्लिक को। नहीं, रिव्यूज तो जो जैसा होगा वैसा देंगे, जरूरी नहीं कि अच्छा रिव्यू देना है। अब जो अब देखेंगे पिक्चर्स कैसी आती हैं, फिर अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसा रिजल्ट मेरा किस तरह का। तो आई होप कि शूट करते हैं पहले हम एक मॉडल का आज, और फिर देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है ये। तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू। तो दोस्तों, राजेश जी ने बिल्कुल नया नया कैमरा खरीदा है, इनको हमने काफ़ी सारी बधाइयाँ दे दी हैं, और अब करते हैं शूट। तो दोस्तों, आज हमारे साथ शूट कर रहा है एक्टर शौर्या जो है एक ट्रेंड एक्टर है, और आज इन्हें हमने रिक्वेस्ट किया हमारे शूट पे आने के लिए, तो शौर्या आज यहाँ पर आए हैं। तो अब देखते हैं निकॉन Z7 मिररलेस कैमरा की परफॉर्मेंस। और दोस्तों, मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना आज 85mm का लेंस, और जैसे कि आप जानते हैं कि मिररलेस कैमरा है ये, लेकिन ये जो अडाप्टर प्रोवाइड किया है निकॉन Z7 ने इस पर, तो आप अपने एफ माउंट के लेंस जो हैं वो सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये चीज़ बहुत हेल्पफुल उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी निकॉन पे काम कर रहे हैं और मिररलेस पे जाना चाहते हैं, तो उनके पुराने लेंस भी जो हैं वो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं हम आज का इसका रिजल्ट। तो चलिए, मैं इनके लूँगा पहले कुछ हेडशॉट्स, फिर हम लेंगे इनके 3-4 पिक्चर्स, और फिर शूट करेंगे इनके कुछ फुल लेंथ पिक्चर्स, और देखते हैं कि बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर ये कैमरा मेरे कितने काम का है।
दोस्तों आपने देखे पिक्चर्स जो हमने शूट किए इस मिररलेस Z7 निकॉन के कैमरा पे, और पिक्चर्स मिले हैं बहुत ही बेहतरीन हमें। तो दोस्तों अब बात करता हूँ मेरी ओपिनियन इसके बारे में क्या रहेगी। तो मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना चाहता, अब ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ इस पर आ चुके हैं जब ये मॉडल रिलीज़ हुआ था। मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा इसके साथ काम करके। तो दोस्तों जहां तक फैशन फोटोग्राफी का सवाल है, जो मेरा काम है, वहां पे इस कैमरा ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। बहुत ही अच्छी इमेजेस मुझे मिली हैं, आप देख पा रहे हैं। और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि इसका जो अडॉप्टर है उस पर मैं अपने एफ माउंट के लेंस जो है वो अच्छे से यूज़ कर पाया, और मेरा 85mm लेंस है बहुत अच्छे से इस पर फिट हो गया। सो अगर आप निकॉन यूज़र हैं ऑलरेडी और आपको सिर्फ जो है बॉडी चेंज करने की ज़रूरत है, आप अपने सारे लेंसेज जो है इस पर यूज़ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी वो लगी इसकी ग्रिप। दोस्तों ये देखिए इसकी ग्रिप जो है वो बहुत ही प्यारी लगी मुझे, यानी कि जब मैं फ़ोटो शूट कर रहा था तो मुझे कैमरा को पकड़ने में जो है एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि हाँ यार ये जो है एक मिररलेस है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत लाइट है या बहुत हैवी है, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ है, और ग्रिप जो है वो आपको एक अच्छी फीलिंग देती है जब आप शूट करते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो इसका मुझे जो स्क्रीन है काफ़ी सेंसिटिव है, जब आप फ्लिप करते हैं इमेजेस तो बहुत ही अच्छे से जो है आप इमेजेस देख पाते हैं, जूम इन जूम आउट कर पाते हैं आप अच्छे से, तो आपको जो है अपना हर चीज़ अच्छे से आप चेक कर पाते हैं। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है शॉट में तो आप देख पाते हैं अच्छे से, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। और उसके बाद जो मुझे इसकी जो चीज़ पसंद आई दोस्तों वो ये है कि इसका जो मेन्यू है, शूटिंग मेन्यू, वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि अगर आप DSLR से आप स्विच ओवर कर रहे हैं मिररलेस पे निकॉन के, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एकदम सेम ही मेन्यू है, आपको लगेगा नहीं कि आप एक ट्रेडिशनल DSLR से जो है मिररलेस पे जा रहे हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इसको समझने में, और आप इमीडिएटली जो है अपनी शूटिंग स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इसमें काफ़ी पसंद आई। और दूसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी बेस्ट वो यही है कि साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो आप अपने कैमरा बैग के अंदर जो है आप इसे इजीली, स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो वहाँ पर इसे रखना बहुत आसान है और आसानी से आप बैग में रख सकते हैं। और बाकी चीज़ मुझे इसके जो फीचर्स हैं वो आप लोग सब लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इसके फीचर्स के ऊपर, वो वीडियो आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं इसके लिए। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक फैशन फोटोग्राफर हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, या आप एक प्री वेडिंग शूट्स करते हैं, या आप किसी भी तरह का ई कॉमर्स का काम करते हैं, तो ये कैमरा जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके मुझे लगा अभी, हालांकि मैंने पहली बार ही शूट किया इस कैमरा पे, बट ओवरऑल जो है मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि 45 मेगापिक्सल का कैमरा है, जब आप स्पेशली जब आप ब्यूटी शॉट्स लेते हैं या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या गारमेंट्स का काम करते हैं आप, तो आप अच्छे से इमेज को आप जूम इन कर सकते हैं, अगर आप क्रॉप भी करेंगे इमेज को तो भी आपको जो है डिटेलिंग इसमें काफ़ी मिलेगी। द रीज़न इसकी हायर मेगापिक्सल है, तो आपको ये एडवांटेज इसमें मिलेगा, आप अच्छे से इमेज को क्रॉप कर पाएंगे एंड यू स्टिल एंड अप गेटिंग वेरी गुड डिटेल्स। जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा इसके अंदर, नेगेटिव नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है शूट करते वक्त, वो यही है कि क्योंकि ये बहुत हायर मेगापिक्सल कैमरा है, तो जब आप शूट करें, यानी कि जब आप हाथ में इसको पकड़ते हैं, तो जो आपका हाथ है वो एक तरह से ट्राईपॉड का काम करना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी अगर शेक होगा कैमरा तो हायर मेगापिक्सल होने की वजह से जो है इसमें ब्लर इफेक्ट आ सकता है, यानी कि इमेज थोड़ी आपकी ब्लर होने के चांसेस होते हैं। तो उसका ऑप्शन ये कि अगर आप स्टूडियो एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं तो आप अपने कैमरा को ट्राईपॉड पर रखिए, और फिर आप देखेंगे तो ये जो आप हैंडल्ड करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा जब आप इसे ट्राईपॉड पर रख के शूट करेंगे। तो अगर पॉसिबल ये है कि अगर आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं तो ट्राईपॉड यूज़ कीजिए इसके साथ में, एंड परफॉर्मेंस इसकी जो है उल्टा ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इट्स अ गुड कैमरा, और मिररलेस जो है वो अब मेरे ख्याल से फ्यूचर है आने वाले टाइम में, और सारे फोटोग्राफर्स हैं आज नहीं तो कल धीरे धीरे जो है मिररलेस पे जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ सेम ही है इसके अंदर, ऐसा कोई इसमें फ़र्क नहीं है। और मैं यूज़ करता हूँ निकॉन D800 ई बॉडी, तो जब मैंने इसे हाथ में उठाया तो मुझे लगा कि यार एक बहुत ही हल्की बॉडी के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, बट स्टिल जो मुझे ग्रिप है वो मुझे बहुत अपील की, मुझे ग्रिप अच्छी लगी। और इसके ऊपर का जो डिस्प्ले है ये भी बहुत ही स्वीट सा छोटा सा है, यहाँ आप सब चीज़ें देख पाते हैं, आपका
अपर्चर सेटिंग जैसा कि आपने ट्रेडिशनल डीएसएलआर में होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी की। अदरवाइज आप अंदर मेन्यू के अंदर भी आप सारा आपको मिल ही जाता है, जब आप व्यू फाइंडर में देखते हैं तो वहाँ भी आप पूरा मेन्यू जो है आप इसका देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक मिररलेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट अच्छा खासा है और आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की ओर जा रहे हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगा एज ऑफ नाउ दिस इज़ द बेस्ट बॉडी अवेलेबल इन द मार्केट। सो मेरे लिए तो ये थम्स अप है बिल्कुल दोस्तों। उम्मीद है आपको पिक्चर्स पसंद आए होंगे, ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं आपको शौर्य, प्लीज़ कम हियर फ्रेंड्स, थैंक्स टू शौर्य जो आज हमारे साथ शूट करने के लिए आया। और शौर्य का इंस्टाग्राम आईडी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं अपने फोटो शूट के लिए। अगर आपको हायर करना है शौर्य को तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑन हिज इंस्टाग्राम आईडी। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को भी कीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल को देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।